कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस हुई फिदा विजय पर? बॉलीवुड को कैसा लगा विजय का लाइगर लुक? नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए फिल्म लाइगर से जुड़े एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। फिल्म लाइगर से विजय देवकोंडा का हैरान कर देने वाला लुक सामने आ गया है। जी हाँ, एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने किरदार की एक झलक दिखाई है। बता दें कि इस फिल्म में विजय देवकोंडा के अलावा अनन्या पांडे भी मुख्य भूमिका में है। एक तरफ जहाँ विजय इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ अनन्या पांडे भी लाइगर से साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है। जारी किए गए पोस्टर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के उनके फैंस और दोस्तों ने उन पर खूब प्यार बरसाया है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली सारा अली खान ने उनके पोस्ट पर रिस्पांस देते हुए विजय के पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और इसे स्मोकिंग हॉट बताया। एक्ट्रेस ने एक फायर इमोटिकॉन के साथ लिखा, रोजेस आर रेड, स्काइज आर ब्लू, हियर विजय देवकोंडा लुकिंग स्मोकिंग हॉट For you. इससे पहले जानवी कपूर ने भी शेयर किया विजय देवकोंडा का पोस्टर और लिखा, We have got a very special delivery to Bollywood and it's looking a lot like. दोस्तों, पहले फिल्म में जानवी कपूर को लेने की बात की गई थी, लेकिन डेट्स के चलते वो इस फिल्म को टाइम देने में कहीं पीछे रह गई और ये बाजी मार ले गई अनन्या पांडे। जानवी कपूर इस फिल्म को दिल से करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें रिजेक्ट करना पड़ा ये फिल्म। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या अनन्या पांडे बेटर है जानवी कपूर से? आप अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें इस टॉपिक पर। क्या अनन्या निभा पाएंगे इस किरदार को अच्छे से? आपका क्या कहना है इस पर? बॉलीवुड की तमाम बड़ी एक्ट्रेस विजय का लुक देख कर घायल हो चुकी है और इसी बात पर कोई शक नहीं है कि विजय इतने हॉट है तो ऐसा लगता है कि फिल्म लाइगर के लिए आम जनता नहीं बल्कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस ही सबसे पहले जाएंगे टिकट बुक करवाने। विजय ने कहा कि लाइगर एक ऐसी फिल्म है जिसने मेरा सब कुछ ले लिया। एक परफॉर्मेंस के रूप में मेंटली एंड फिजिकली रूप से मेरा सबसे चैलेंजिंग रोल था। विजय देवकोंडा को लाइफ इज ब्यूटिफुल, अर्जुन रेडी और डियर कॉमरेड जैसी रोमांटिक तेलुगु ड्रामा में उनके काम के लिए जाना जाता है। अब विजय की पॉपुलैरिटी कहीं बाहुबली यानी प्रभास को पीछे ना छोड़ ले। और भी सारे नए अपकमिंग मूवीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, वरना आपको कुछ हटकर सुनने को कहाँ मिलेगा। तो इसी के साथ मैं सोम भी गा लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा, बाय, टेक केयर।